सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी के समन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अखिलेश चुनौती दे सकते हैं। दरअसल सीबीआई ने बतौर गवाह पूछताछ के लिए उन्हें सीबीआई ऑफिस आने का समन जारी किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक चैनल से बात करते हुए कहा, बीजेपी के सबसे ज्यादा निशाने पर समाजवादी पार्टी ही है। साल 2019 में भी मुझे नोटिस भेजा गया, उस वक्त भी लोकसभा चुनाव था। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। बीजेपी घबराई क्यों है? इन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है लेकिन फिर भी ये घबराए हुए। यह मामला अखिलेश यादव की सरकार में हुए अवैध खनन का है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच की। 1 जनवरी 2019 को इस मामले में आईएसबी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसमें सपा के विधान परिषद सदस्य रमेश कुमार मिश्रा और बसपा के टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ने वाले संजय दीक्षित के नाम भी खोले गए थे। 14 जगह पर छापेमारी भी हुई थी।